जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभुले वचन प्रतीतन जाई गुरु के वचन प्रतीतन जाई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव हजारों लोग चित चोर चाह तेरी करते करते परन मिला दीदार कुछ कर गए ध्यान धरते धरते कोई कहे हम पक्के हिंदू शिखा सूत्र धारण करते कोई कहे हम मुसलमान दाढ़ी पर अकड़े फिरते आपस में दो लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते पर न मिला दीदार कुछ कर गए ध्यान धरते धरते पंडित कवि कोविद रहे अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते पर न मिला दीदार कुछ कर गए ध्यान धरते धरते सदगुरु की जब दया हुई अनेक जन्म साधन करते लखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते गए हजारों लोग चित चोर चाह तेरी करते करते पर न मिला दीदार कुछ कर गए ध्यान धरते धरते ये हर हालत में सदगुरु की जब दया हुई वो दया की स्थिति तक पहुंचने में भी कई जन्म लग जाते हैं अनेक जन्म साधन करते तब दया हुई और लखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते थे और ये वेद पुराण पुस्तक अध्ययन इससे भगवान नहीं मिलते और ये तो भगवान के लिए श्रद्धा को जीवित रखने का तरीका है श्रद्धा समर्पित होने का तरीका है समर्पित हो जाने के बाद ये शास्त्र अपना कार्य पूरा कर चुका मिलने के लिए पर्याप्त नहीं मिलने के लिए सद्गुरु की दया वो भी अनेक जन्म साधन करते करते और तब दया की स्थिति में हम पहुंचते हैं कोई ये जो संप्रदाय है मजहब है ये कुछ नहीं है कोई कहे हम पक्के हिंदू सिखा है सूत्र धारण करते कोई कहता हम पक्के मुसलमान दाढ़ी पे अकड़े फिरते आपस में दो लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते पर न मिला दीदार वो प्रभु का स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ा
उसका एक ही तरीका सद्गुरु की शरण। और उसके बाद जब साधना जागृत हो गई तो फिर उसे मिलने का एक ही तरीका है, भजन की मस्ती ऐसी हो पागल हो जाए। गुरु महाराज की विद्या जिसे उपलब्ध है उसको पागल हो ही जाना चाहिए। एक भजन है, तुम चलो दीवाने देश अलख संग मिली हो, तुम चलो दीवाने देश अलख अविनाशी अचिंत्य अगोचर, उसका संग पाओगे उसके साथ विले भी पा जाओगे। केवल एक काम करो, तुम चलो दीवाने देश, पहले भजन सुन ले तो उसकी विधि कहाँ मिलेगी। तो संत सदा उपदेश बतावे, घटे अंदर दीदार करावे, तन मन अर्पण करी हो, तुम चलो दीवाने देश। शब्द विहंगम बाजे तूरा, कोटि भांति जहां भब के नूरा, बंक नाल सुधि करी हो, तुम चलो दीवाने देश। सुखमन सेज विहंगम सीढ़ी, माया गस्त करे चहु फेरी, भर्म भूली मत रही हो, तुम चलो दीवाने देश। अलख संग मिली हो, तुम चलो दीवाने देश। या पद का जो अर्थ विचारे, कहे कबीर वेदास हमारे, को नाम का व्यवहारी मिली हो, तुम चलो दीवाने देश। अलख संग मिली हो, तुम चलो दीवाने देश, तुम चलो दीवाने देश। सभी भगवान को चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं, उनके आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन मिलते दिखाई नहीं देते। संत कबीर कहता है कि तुम अवश्य उनके दर्शन पाओगे, विले भी पा जाओगे, केवल एक काम करो, तुम चलो दीवाने देश। दीवाना माने विरही, भगवान के विरह में विकल। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्दन जाने कोई, मेरा विकल थी वो दीवानी थी। तो वो दीवाना ऐसा पगलंट नहीं, प्रेम दीवाना। तो मीरा, जड़ भरत, राम के बड़े छोटे भाई भरत, ये जिस रहनी ज्ञानी से गुजर गए उसी रहनी ज्ञानी पर तुम चलो, तुम भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। शबरी उसी श्रेणी में थी, भगवान के लिए रोज फूल बिछाती थी, और उसके जितने गुरु भाई और संत थे बोले पागली है, लगता अभी आ ही रहे भगवान। लेकिन एक दिन भगवान उस रास्ते से आए भी, भगवान रास्ता बदल के सीधा शबरी के पास पहुंचे, दर्शन भी पाए और अपना परिचय भी दिया कि अधम से अधम अधम यति नारी, तिन मैं मति मंदे अघारी। एक तो अधम कोल किरात, उससे भी अधम मैं नारी हूँ, उससे भी अधम मैं बुद्धि की मंद हूँ। भगवान राम ने कहा सबरी, माना हूँ एक भक्ति करनाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता हूँ। भक्ति के नव अंग है, एक जिसके पास है वो मुझे परम प्रिय होता है, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, इसलिए तुम मेरे धाम जाओ। शबरी धाम चली गई,
वो इतनी दीवानी थी कि लोगों ने पगली छोड़ के कुछ नहीं कहा। जब भगवान ने दर्शन भी दिया, धाम भेज दिया, तो सारे जंगल भर के ऋषि महर्षि आके शबरी के जहां धाम गई उस धूली को सिर पे चढ़ाने लगे। वो गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप, वाल्मीकि भी अंगूठा छाप। जो रामायण भगवान बाद में जन्मे वो पहले रामायण लिख दिया। स्वरूप बोलता था, आकाश बोलता था, उनके हृदय में प्रकट हो गया कि भविष्य में क्या होने वाला, सब अनुभव में उतर आया। इसलिए ईश्वर पथ में आप विद्वान हो तो बने रहो, भगवत पथ में उससे कोई सहयोग नहीं मिलेगा। मूर्ख हो कोई हर्जा नहीं, वहां तो केवल तुम्हें प्रेम प्रभु के विरह में खोया हुआ होना चाहिए, दीवाना होना चाहिए। भरत तुरंत राजपाट फेंका पुत्र को, संत हो गए। संत भी ऐसे हुए, आस्ते आस्ते कपड़े खत्म, एक वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, वो थे जड़ भरत। हाथ का सिराना लगा के पड़े रहते थे। भगवान परीक्षा लेते हैं। 14 वर्ष पहले भरत खड़ाऊ लेके अयोध्या आए, चित्रकूट से नंदीग्राम में प्रविष्ट हो गए। देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छबि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बड़ई धर्म दलु मन न मलीना। नित्य खान पान से बढ़ने वाला शरीर का वजन हल्का हो रहा था, किंतु बड़े ही धर्म दलु मन न मलीना, धर्म का दल बढ़ रहा था, इसलिए मानसिक प्रसन्नता वही थी। 14 वर्ष पश्चात जब भरत ने आके देखा तो बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत नयन जल जात। आंखों में आंसू, हृदय में स्वरूप था। देखत हनुमान यति हर्षिम, पुलक शरीर नयन जल बरसिम। हनुमान को रोमांच हो गया, प्रेमा अश्रु छलकाए, मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी, कि जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जिसके विरह में रात दिन घुलते रहते हो, जिनके गुणों की पंक्ति को रटते ही रहते हो, शत्रु को जीत कर राम आ गए। जहां इतना सुना कि भाई सीता समेत राम आ गए, भरत का सारा दुख दूर हो गया। सुनत बचन विसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिमि पाय पियूखा। इतना सुना कि राम आ गए, भरत का सारा दुख दूर हो गया, जैसे एक गिलास पानी का प्यासा था अमृत पा गया हो। भरत दीवाने थे, 14 वर्ष पूर्व जो दशा थी, 14 वर्ष बाद आके देखा तो वही दशा थी। लेकिन जहां भगवान मिल गए, उसके बाद में भगवत भरत ने कभी आंख नहीं मूंदा, फिर कभी नंदीग्राम में नहीं गया, मुकुट पहन के मस्ती करता। जब उतरी पुतरी भय पा रहा तो सदगुरु कौन हमारा, अब भजन हमारा हरि करे हम पायो विश्राम, हो गए पेंशनियर। मीरा दीवानी, तो भगवान के प्रेमी भगत, विरही भगत, जिस जिस रास्ते से जिस चाल से चले गए, उनके देश में तुम भी चलो, अवश्य प्राप्त कर लोगे। तो तुम चलो दीवाने देश, जो भगवान के अंतरंग भक्त, विरही प्रेमी, जिस जिस रास्ते से गुजर गए, जैसे मीरा जिस रास्ते से, भरत और जड़ भरत जिन रास्ते से गुजर गए, उसी देश में तुम भी चलो। तुम अलख अचिंत्य है, अगोचर है, आंखें देख नहीं सकती, बुद्धि माप नहीं सकती, इसलिए वो अलख कहलाता है।
उस अलख चिंतन अचिंत्य जो परमात्मा है उसका संग भी पाओगे और विलय भी स्थिति भी पा जाओगे। तुम केवल इतना करो कि वो परमात्मा के अंतरंग भक्त जिस जिस चाल से गुजरे उस चाल से तुम भी चल दो। साधु तो करोड़ों लेकिन वर्ल्ड में यदि रिकॉर्ड मिला है तो उन दीवानों का, रामकृष्ण परमहंस का, लोगों ने पागल समझा आधी जिंदगी तक। विवेकानंद वगैरह तो स्पीकर थे उन महापुरुष के, उनकी जो वाणी थी उसको प्रस्तुत कर दिया बस। तो भला हम ठीक अवश्य चलेंगे, भगवान की हमें जरूरत है, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे, लेकिन वो उस देश में जाने का रास्ता कौन बताएगा? तो संत सदा उपदेश बतावे, घटे अंदर दीदार करावे। वो ईश्वर के पथ में, परमात्मा दर्शन के पथ में जाने का रास्ता सदा ही संतों से मिला है, वो उपदेश संत करेंगे। भरत ने कहा, राजन तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों की धूल में लोटे बिना वो साधना जागृत नहीं होती, एक परमात्मा के पथ में चलने की विधि नहीं जागृत होती। ठीक वही कहते हैं कि ये रास्ता संत सदा ही अनादिकाल से संत ही बताते आए हैं। तो संत सदा उपदेश बतावे, ईश्वर के रास्ते में कैसे चले, वो उपदेश सदा ही अनादिकाल से संत बताते आए हैं। और उन संतों के उपदेश में भगवान काशी में नहीं रहते, अयोध्या में नहीं, बद्रीनाथ में नहीं, उनके उपदेश का भगवान सदैव हृदय के अंदर रहता है। तो घटे अंदर दीदार करावे, हृदय में केवल कह नहीं देते कि भगवान हृदय में, इससे क्या फायदा, उनका साक्षात्कार करा देते हैं। तो उन संतों के पास भाई जाके हम क्या लेके जाएं, फूल पत्ती क्या ले जाएं, कहीं जाते हैं तो नहीं फूल पत्ती जैसी मिठाई लायो, क्या लेके जाएं जिससे कि वह रास्ता, वो रास्ता बता दें, जगा दें हृदय में, परमात्मा तक की दूरी तय करता है, साक्षात्कार करा देता है, क्या लेके जाएं? तो तन मन अर्पण करी हो तुम, चलो दीवाने देश। संतों के पास लेके जाओ, ये सब फूल पत्ती तो ठीक है, लेकिन सचमुच हम साधना में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो तन लेके जाओ, मन लेके जाओ, ये अर्पण कर दो, गुरु के हाथ का यंत्र हो जाओ। यंत्र ही हमारे हाथ का, हम चाहे तो इसमें चाय भर दें, चाहे तो उठा के वहां फेंक दें, हम चलाएं तो ही चले, नहीं तो कभी नहीं। तो उन सदगुरु के हाथ के यंत्र बन जाओ, तन और मन अर्पण कर दो। कोई चीज मिठाई चढ़ा दिया तो हमारी हो गई कि आपकी रह गई? तो तन और मन जब चढ़ाई दिया तो उनका हो गया, इसके बाद बुद्धि मात्र यंत्र है, जो सदगुरु जैसी प्रेरणा दे बस हमें उतना करना है। तो एक बार जनक एक महाराजा हुए, तन मन अर्पण करने वालों का मैं एक जनक थे सर्वोपरि। तो जनक ने स्वप्न देखा कि मैं भीख मांग रहा हूं, दिन भर मांगा और शाम को पेट नहीं भरा, चिंता में पड़ गया, क्या सचमुच ऐसे ही न हो जाए, जबकि उठा तो अपनी गद्दी पर था, राजगद्दी पर। तमाम विद्वानों की गोष्ठी बुलाई और पूछा, भाई मैंने जो देखा वो सच या करता हूं वो सच? तब क्या मालूम कि इन्होंने क्या देखा है, उल्टा सीधा सब विद्वान कुछ न कुछ बताते रहे। बोले, ओ व्यर्थ, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं, इनको जेल भेज दो। लगे चक्की पीसने, फिर नंबर आया ऋषि महर्षियों की, वो भी लगे जेल में चक्की पीसने। अष्टावक्र थे, उनके गुरु थे, वो भी चले गए जेल में चक्की पीसने, क्योंकि पहले ये चक्कियां तो थी नहीं। फौज का भरण पोषण कैदियों के पीसे आटे से होता रहा। अष्टावक्र कुटिया में आए तो बोले, गुरुजी कहां? बोले, वो तो जनक के वहां शास्त्रार्थ करने गए थे 6 महीने पहले।
लौटे नहीं। अष्टावक्र गए और फिर वहां राजा के वहां कोई उनको उपदेश करने जाता भी नहीं था। पहले तो सोचा कि राजा कुछ प्रश्न पूछेंगे, तुरंत दौड़ पड़े, जितने काशी के विद्वान सब दौड़ पड़े। लेकिन जब सब जेल चले गए तब कौन जेल भोगने जाए, कोई पहुंचे ही ना। सन्नाटा 6 महीने का भंग हुआ। एक दिन जब अष्टावक्र पहुंचे तो बोले, द्वारपाल ने राजा से कहा कि एक महात्मा पधारे हैं। तो राजा स्वयं स्वागत में आया, सभा पूरी साथ चली आई कि भला कोई आया तो उत्तर देने के लिए। जहां अष्टावक्र को देखा एड़ी से चोटी तक, तो राजा को हंसी आ गई। जब महाराजा हंस पड़े तो प्रजा को हंसना ही था। कुछ तो सचमुच हंसते हैं, कुछ राजा की फॉर्मेलिटी में हंसना पड़ता है, मजबूरी है, हंसे। जब उनकी हंसी रुकी तो फिर लगे अष्टावक्र अकेले हंसने, खूब हंसे। राजा ने समझ लिया है तो पागल, किंतु पूछा, बोले महाराज आप हंसे क्यों? बोले राजन, पहले तुम हंसे, तुम्हारी समाज हंसी, पहले तुम लोग अपने हंसी का कारण बताओ तो मैं बता दूंगा मैं हंसा क्यों। तब राजा ने कहा कि एक से एक गुलफाम की तरह शरीर लेके आए, विद्या की पोथियां लेके आए, वो तो सब चक्की पीस रहे हैं जेल में, और आपके चमड़ी का आकार देख के हम लोगों को हंसी आ गई। दांत खुरपी की तरह है, आंखें पीछे को उलट गई है, हाथ टेढ़े मेढ़े चलते हैं तो कई जगह में लहर पैदा हो जाती है, तो इसीलिए आपकी चमड़ी का आकार हमारे हंसी का कारण है। तब अष्टावक्र बोले, राजन हमें इसलिए हंसी आ गई कि जनक समेत जनक की सभा एक चमारों की सभा है, चमड़ी की पैच परख बड़ी अच्छी करते हैं। ये बताओ, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नि गावा, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक समारा, बड़े भाग्य से दुर्लभ एक मानव तन मिला है, ये साधन धाम मुक्ति का दरवाजा है, ये देव दुर्लभ है, शरीर एक मकान है, ये साधन के लिए निवास स्थान है जिसमें बैठकर भजन किया जाता है। आत्मा के दांत खुरपी की तरह हैं क्या? आत्मा की आंखें पीछे घूमी हुई है क्या? पांव टेढ़े हैं? सर्वत्र देखता है, सर्वत्र सुनता है, सर्वत्र गतिवान है, इसलिए हमें हंसी आ गई कि चमड़ी की परख बड़ा अच्छा करते हो तुम लोग। तब जनक ने सोचा, ही तो लगता है बड़े महात्मा लग रहे हैं। तो बोले भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर, बोले राजन पहले कुछ दान करो। तो बोले 1000 गाय, सोने से मड़े हुए सींग। तो बोले नहीं राजन, तुम कोई अपनी निजी चीज जो तुम्हारी हो वो दान करो। तो सब मुस्कुराए कि आखिर तो जंगली ठहरा, क्या जाने कि राजा महाराज किसे कहते हैं। तो बोले कि गायों की संख्या बढ़ा दो 20,000, आधा राज ले लो, यदि हमारे प्रश्न का समाधान हो जाए तो पूरा ले लो। तो बोले मैं कहता हूं कोई अपनी चीज दो। तो मंत्री बोले, अरे महाराजा हैं, सब इन्हीं का है। बोले तुम चुप रहो, क्या कहा कि इन्हीं का सब, इनसे पहले कौन था? बोले इनके पिता महाराजा धीराज फलाने, इनसे पहले तो 7 पीढ़ी गिना ले गए, और बाद में बोले अबे तो कोनो संतान नहीं, जो हुई तो वह हुई, नहीं तो दूसर गोद वाला। तो बोले अरे जिसमें दावेदार सदैव आए और गए, यदि हमारा ही होता तो छोड़ के चले क्यों गए? तुम्हें भी छोड़ के जाना है, ये तुम्हारा नहीं, कोई निजी चीज दो अपनी। तब जनक सनका, बोले अरे अच्छा फंसाया, महाराज आप ही बताइए हमारी चीज हमारे पास क्या। बोले अपने मन को दान दे दो। जनक ने तुरंत सोचा कि काम तो सलट गया सस्ते में, एक को गाय नहीं देना पड़ा और काम बन गया। जब संकल्प कर दिया कमंडल में जल लेके मन को दान करवा लिया अष्टावक्र ने, थोड़ी दूर जाके बैठ गए, भजन में ध्यानस्थ हो गए।
जनक को बैठने के लिए भी नहीं कहा, वो खड़ा था। एक घड़ी भर तो खड़ा रहा जनक, बड़ा क्रोध आया मनी मन, और सबको तुमने जेल भेजा, इनको फांसी अवश्य दूंगा। बोलो ना, मुंह मांगा हमने, दान दे दिया, तब भी मेरे प्रश्न का उत्तर तो दूर, बैठने तक को नहीं कहा। तब हृदय में प्रेरणा हुई, बोले अरे जब मन दान दे दिया तो ये क्रोध कौन कर रहा है, फांसी कौन दे रहा है। तब सोचे अच्छा हमने कहा भर है, अभी दिया नहीं, मन तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तब फिर अष्टावक्र के स्वरूप को देखा, जनक देखते ही रह गए। चार बजते बजते वो ध्यान लग गया, उस ध्यान की स्थिति में फिर प्रेरणा मिली हृदय से, बोले देख जो तू कर रहा राज ये भी नश्वर है, सच नहीं है, फराशो झरा बराशो बुताना, सृष्टि का एक जीवन क्रम है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और जो तुमने देखा मैं भीख मांग रहा हूं वो भी नश्वर है, सृष्टि का एक प्रकार का जीवन वो भी है, एक इस छोर का जीवन एक उस छोर का जीवन है, दोनों नश्वर। अब जो कर रहा ये सत्य है, थोड़ी मेहनत और कर तुम अपने सह शाश्वत सहज स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जनक का समाधान हो गया, फिर लग गए भजन। अपने युग के जनक भी सर्वोपरि महापुरुष हुए। महापुरुषों के यहाँ जब कोई मसला हल नहीं होता था तो जनक के वहाँ पहुँचते थे। वेदव्य व्यास ने सुखदेव को जनक के यहाँ भेजा, भरद्वाज ने अपने दो शिष्यों को जनक के पास भेजा समाधान के लिए। इसलिए सदगुरुओं के पास यदि उस दीवानों के देश में चलने की अलख अविनाशी से मिलने की इच्छा हो तो दीवानों के देश में चलना, लेकिन वो विधि जब कभी किसी ने मिली तो संत सदा उपदेश बतावें, सदा ही संतों से वो जागृति हुई उपदेश मिला, उनके पास जाओ तो संत के पास जाओ, पूछ लो सुन लो, उससे काम नहीं चलेगा। यदि उस रास्ते पे चलना है तो मन को अर्पण कर दो, तन को अर्पण कर दो। जनक ने किया और पा भी गए। तो तन मन अर्पण करी हो तुम चलो दीवाने देश। और जब संतों का उपदेश हृदय में जागृत हो गया भजन, तो भला भजन है किस प्रकार। शब्द पिहंगम बाजे तूरा, कोटि भांति जहां भब के नूरा। भजन की जागृति शब्द से होती है। शब्द जिस परमात्मा की हमें चाहे, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, वो हमारी पुकार ऐसी हो कि वो प्रभु उतर आए, हृदय से अपनी वाणी देने लगे। विहंग कहते हैं आकाश, अभिहंग पक्षी को कहते हैं, पक्षी सदैव आकाशचारी होता है। आकाश का शब्द जब उतर आए तो शब्द विहंगम बाजे तुरा, एक बार जो शब्द जागृत हुआ तो दूर पहले एक बाजा बजता था राजा महाराजा के, भयंकर बजता ही रहता था बहुत देर तक एक ही धुन। एक बार शब्द जागृत हो गया, उस परमात्मा की अपौरुषेय वाणी उतर चली, तो फिर वो अविरल बजती ही रहती, चलती ही रहती है जब तक आप पार नहीं हो जाओगे। दर्शन स्पर्श और स्थिति नहीं पा लोगे तब तक ये बीच में कहीं विराम नहीं उसके लिए, इसलिए तूर की तरह बजता है। तो शब्द विहंगम, एक बार जागृत हो गया उस शब्द का क्रम कभी नहीं टूटेगा, अविरल प्रवाहित रहेगा। तो शब्द विहंगम बाजे तुरा, और उसी शब्द के निर्देशन में भगवान का स्वरूप झलकने लगेगा। कोटि भांति जहां भव के नूरा, करोड़ों विधियों से भगवान का वो ईष्ट का आपका स्वरूप तो बाद में होगा, पहले भगवान ही मिलते हैं फिर स्वरूप। कोटि भांति जहां भव के नूरा, उस शब्द संदेश के अंतराल में करोड़ों करोड़ों विधियों से उदाहरणों से उस स्वरूप झलकने लगता है, स्पष्ट होने लगता है, स्वरूप भबकने लगता है, प्रकट होने लगता है। लेकिन साधक क्या करे, ये तो शब्द की ड्यूटी हो गई, हम क्या करें। तो बंक नाल सुधी करी हो तुम
चलो दीवाने देश। बंकनाल श्वास का नाम है। नासिका से गई, मस्तिष्क में गई, मेरुदंड पकड़ा, उदा चक्र होके नाभि में आई, फिर लौट के उसी रास्ते से नासिका द्वार से पार हो गई। ये टेढ़ी मेढ़ी नाल, इसलिए इसका एक नाम बंकनाल। ये टेढ़ी नली नली है। इस श्वास का ध्यान करो, सारी मानसिक प्रवृत्ति को समेट के, सारी शुद्ध माने स्मृति को समेट के केवल श्वास में लगाओ तो बंक नाल शुद्धि, शुद्धि करो तो केवल इसकी, तो बंक नाल शुद्धि करी हो तुम चलो दीवाने देश। महाराज जी कहें जो श्वास का भजन नहीं जानता, ऐसे साधुओं को भी महापुरुष अपनी कुटिया में दो रोटी नहीं देते थे। क्यों? कि ये स्वयं पथ भ्रष्ट है, गुमराह है, घूम घूम के दूसरों को गुमराह ही तो करेगा। इसलिए श्वास के ऊपर सूरत लगाओ, केवल उसकी शुद्धि करो। एक भजन है, भरत विकल थे, आज मोहे रघुवर की शुद्धि आई। शुद्धि जानते हो, खोई वस्तु खाली वही दृष्टि पटल पर खड़ी हो जाए, ऐसे ही बंक नाल शुद्धि करियो। केवल शुद्धि करो तो उतनी, श्वास को छोड़ के संकल्प दूसरे न प्रकट हो, तब आपकी शुद्धि ठीक, श्वास का यजन ठीक, तभी वो कोटि बांति जा बबके नूरा। तो सुखमन सेज भजन करते करते, श्वास पर श्वास का यजन करते करते, आज हम श्वास में मन को लगाते हैं तो दो मिनट बाद भाग भी जाता है ये, क्योंकि जन्मांतरों का अभ्यासी है बाहर का, इसलिए भाग जाता है। किंतु श्वास पर श्वास की परिपक्व अवस्था काल में एक ऐसा स्तर आता है, एक बार शुद्ध करो तो सूरत वहीं टिक गई, मन सुख पूर्वक उस श्वास में प्रवाहित हो गया, रवा हो गया। तो सुख मन सेज विहंगम सीढ़ी, एक बार सूरत लगाया, शुद्ध किया तो मन सुख पूर्वक एकदम शांत ओम ओम धुनी प्रवाहित हो गई, सुख पूर्वक उसी श्वास में प्रवाहित हो गया। अब इधर उधर भागता ही नहीं, सोया आदमी क्या भागेगा खाक, वो तो निश्चेष थे, वो है सैया। अंतिम स्तर भजन का, तो सुख मन सेज विहंगम सीढ़ी, लेकिन रास्ता वही विहंग माने पक्षी, पक्षी आकाशचारी होता है, वही आकाश वाला ही रहा, आकाश वाले शब्द ही सहारा है, उसी के द्वारा हम समझ पाएंगे, उस शब्द के निर्देशन में ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारा मन सुख पूर्वक प्रवाहित हुआ अथवा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कितना परसेंट कम है। तो इसलिए सीढ़ी वही है, रास्ता वही है, कोई दूसरा नहीं। अनुभवों की जागृति, आकाश अपौरुषेय वाणी का संचार, आकाश के शब्द का भली प्रकार प्रवाहित होना, उन्हीं के निर्देशन में चलते चलते मन सुख पूर्वक एक बार शुद्ध किया तो उसमें शांत प्रवाह स्थायित्व ले लिया। तो सुख मन सेज, अभी सेज माने सोने की बिस्तर लगा हुआ फर्स्ट क्लास, लेट जाओ। विहंगम सीढ़ी, माया गस्त करे चहु फेरी, ये बड़ी अच्छी अवस्था है। मन शांत एक बार शुद्ध किया कि उसी में प्रवाहित हो गया, दूसरे चिंतन अवरोध नहीं उत्पन्न कर पाते, बहुत बढ़िया महत्व की अवस्था है। लेकिन इस धोखे में मत रहना कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी, क्यों कि माया गश्त करे चहु फेरी, चारों तरफ माया बड़ा कड़ा छिद्र अन्वेषण करने में लगी। तो माया गश्त करे चहु फेरी, तो भरम भूली मत रही हो तुम चलो दीवाने देश। इस धोखे में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना, वाह एक बार शुद्ध किया श्वास की तो रिनक दिनक धुनी अपने से उठे, श्वास में धुन जागृत हो गई, सूरत उसी में टिक गई, सैया मिल गई,
बड़े महत्व की स्थिति, इस धोखे मत रहना, माया ग्रस्त कर रही है, तो इसलिए भ्रम भूली मत रहना, इस भ्रम में मत रहना की अवस्था अच्छी, क्योंकि माया छिद्रान्वेषण कर रही है। ये माना भजन की अच्छी अवस्था है, लेकिन माया कामयाब हो सकती है, माया के क्षेत्र के अंतर की ही अवस्था है, पार नहीं। अरब में एक महापुरुष हुए हैं बहुत अच्छे, वो 10 साल की उम्र से साधु हो गए, बड़े कट्टर प्रतिज्ञाबद्ध। आधी उम्र तक तो लोगों ने सोचा कोई पागल, लेकिन आस्ते आस्ते भला जो भगवान को बसता हो, पुण्य आत्माओं के हृदय में तो प्रेरणा हो जाएगी। शांत जंगल झाड़ियों के बीच मुट्ठी के ही रह गए, सेवा भी होती रही। उम्र हो गई 75 साल। अब परीक्षा की घड़ी आई तो एक सहजादी उस जंगल में निकल प्रकट हो गई, तो उसका वेशभूषा चाल ढाल, उसका वो बढ़िया सलोना स्वरूप देखा बाबा ने। औरतें तो वहां रोज ही आती जाती थी, ग्रामीण जंगली लोग आते जाते थे, इधर उधर निकलते, किसी ने जीवन में कभी उन्होंने बात ही नहीं किया किसी से, लेकिन इस सलोने स्वरूप को देखा तो उन्हें दया आ गई। अरे ये अकेली क्यों, तुम्हारे साथ कोई है? तो मुस्कुराई तो पीछे हट गई, बोले देख ये जंगल झाड़ी, इधर चले जाओगे तो कहीं पानी नहीं है, शेर चीते नरभक्षी हैं यहाँ पर, इसलिए तुम बताओ, तुम है तुम्हें रास्ता बता दूं कहाँ जाना है। तो मुस्कुराई और पीछे हट गई। तो बाबा खड़े हो गए, बोले अरे बता तो दे। उनको सोचा कि जरूरी धोखा खा जाएगी, जब एक पता ही नहीं है क्या झूठ क्या सही। उदंड की तरह दौड़े थे, लगता है शहरी है, तो आगे आगे चलने लगी, पीछे बाबा बाबा, फिर पूछा तो थोड़ी थोड़ी दौड़ने लगी, बाबा वो दौड़े लगे, निकल गए 1 मील। वो कल की लड़कियां फर 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 उड़ जा, 75 साल की महात्मा कहां तक दौड़े। अब आपकी उम्र तो दौड़े वाली नहीं है ना, बस यह दशा रही, बस इसी उम्र के थे। तो वो मील भर दौड़ के खड़े हो गया, बोले अब मरे चाहे जिए, लगता है ससुरी नहीं है बताएगी, अब तो लगता नहीं बताएगी, अब मरे चाहे जिए, ही जाने इसका भाग्य जाने। जहां खड़े हुए हताश होके, इतने में आकाशवाणी हुई, जो बड़े वेग से आज जीवन जन्नत की ओर भागा जा रहा था, वही व्यक्ति उतने ही वेग से आज दोजक की ओर भागा जा रहा है। आज से 4th दिन तुम्हें नबूवत मिलने वाली थी, अवतार की स्थिति मिलने वाली थी, इतना, लेकिन तुम चूक गए। इतना सुनना था कि कुलाड़ी उठा के अपना पांव काट डाला, बोले इन पांव का दोष, जबकि गरीब पांव का कोई दोष नहीं। पांव को तो आदेश दिया था मन ने ना, इच्छा ने, वृत्ति ने, इसलिए दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। वो कोई अभाव नहीं था, हवा भर भी गलत विचार नहीं था, केवल दया भर थी। आकाशवाणी हुई, उस उतने ही वेग से दोजक की ओर भागा जा रहा है। क्यों? आप आज की जानते हो, वर्तमान में हमारे मन में किसी प्रकार का भला बुरा भाव नहीं है, लेकिन संगत उठकी बैठकी के बाद, उठना बैठना के पश्चात जो भाव प्रकट होगा वो तो भगवान जानते हैं। बोले वही उतने ही वेग से दोजक की ओर भागा जा रहा है। 4th दिन नबुवत मिलने वाली थी, अवतार की स्थिति मिलने वाली थी, लेकिन तुम चुग गए, पांव काट दिया। तो ये अवस्था महात्मा की है, सुखमन सेज विहंगम सीढ़ी, मन सुख पूर्वक शांत, एक बार शुद्ध की कोशी में प्रवाहित हो गया, बड़ी अच्छी अवस्था, मन सुख थे, शांत प्रवाहित है, किंतु भ्रम को, इस धोखे में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी। क्यों? कि माया चारों तरफ घेरे हुए है,
गश्त कर रही है, बड़े वेग से पहरा दे रही है, चक्कर काट रही है, छिद्रा अन्वेषण कर रही है, इस धोखे मत रहना। अर्थात कितनी भी अच्छी अवस्था है तब भी है तो माया के क्षेत्र के अंदर की, वो कामयाब हो सकती है। इसी स्तर के वो महापुरुष थे अरब वाले। अंत में कहते हैं, या पद का जो अर्थ विचारे, इस पद में बताई हुई जो अवस्थाएं हैं उसको अपने में विचार ले। कहे कबीर वे दास हमारे, कबीर कहता हूं मेरे दास से, वो मेरे अनुयायी हैं, वो मेरे शिष्य हैं। मान लो इस अर्थ पर विचार करके चलने वाले तो शिष्य हो गए, और भी किसी को प्रवेश है या नहीं? इस पर कहते हैं, को नाम का व्यवहारी मिली हो तुम, चलो दीवाने देश। कोई भी सृष्टि में हो केवल नाम का प्रेमी मिल जाओ, बस वो भी शिष्य है, तुम चलो दीवाने देश। तो अलख संग मिली हो तुम, चलो दीवाने देश। जो अलख जो लखन में नहीं आता, अचिंत्य है, अगोचर है, कण कण में व्याप्त यहूं विद्यमान लेकिन समझ में नहीं आता, उसका संग भी पा जाओगे और विले भी पा जाओगे, स्थिति प्राप्त कर लोगे। केवल एक काम करो, परमात्मा के अंतरंग भक्त विरही दीवाने, मीरा और सुतीक्षण की जैसे रहने वाले, जिस चाल से चले गए, जिस पथ से गुजरे, तुम भी उसी पथ से गुजर चलो, अवश्य प्राप्त कर लोगे, दर्शन भी पाओगे, विले भी पा जाओगे। और वो विधि सदा ही अनादिकाल से संतों से मिलती आई है। उन संतों के उपदेश में भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, पूरे अंदर दीदार करावे, तन मन अर्पण करो। वो महापुरुष जब भजन जागृत होता तो शब्द विहंगम, आकाश से शब्द अपुरुष वाणी उतर आएगी, वो पथ प्रदर्शन करेगी। मन सुख पूर्व शांत प्रवाहित हुआ, ऐसी अवस्था में भी सजग रहना, क्योंकि माया है तो जिंदी परिक्रमा कर रही है, और जो उसको पार पा लिया वो मेरे शिष्य हैं। इस पद में बताई हुई योग्यता को जिसने धारण कर लिया अपने में, वो सच्चे शिष्य हैं। और कोई भी प्राप्त कर सकता है, केवल जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जागते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खुरपी चलाते, जीवन के हर मोड़ पर नाम याद आया करे, बस श्रद्धा और समर्पण के साथ नाम याद आया करे, यही है नाम का व्यवहार। सुबह शाम बैठ के जितना दे सको समय अवश्य देना चाहिए, बच्चे दें, माताएं दें, जवान दें, सब दें, चाहे वो 15 ही मिनट दे सको, आधा घंटा, 20 मिनट, ये नियम खंडित न हो। और फिर भगवान का सुमरण करने के लिए ये न सोचे कि अभी तुम नहाए नहीं, तुम मुंह नहीं धोया, इस बेवकूफी की जरूरत नहीं, क्यों वो सुमरण आपके अंतःकरण से होता है, चमड़ी धोने से और चमड़ी पे कूड़ा डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज थे 6-6 महीने साल साल भर स्नान ही नहीं करते थे। और भजन क्यों ये सोचा करें कि नहाने धोने में जो समय नष्ट होता है उसको हम भजन में क्यों नहीं लगाएं, इसलिए नहीं करते थे। इसलिए चलते फिरते जीवन के हर मोड़ पर हर परिस्थिति में श्रद्धा और समर्पण के साथ, एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ, परमात्मा का जो बोध कराता वो नाम ओम अथवा राम, उसका जाप करो। और उसकी जागृति तो सदगुरु से ही होती है। जब खूब जाप करोगे तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। पहले तो समझ ही में नहीं आएंगे कौन गुरु है कौन चेला, कुछ मालूम नहीं, भगवान ढूंढ के दे देंगे। संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चितवांजे ही। वो कृपा करके जिन्हें एक निगाह देख लेते हैं, विशुद्ध संत उसके सामने स्वतः मिल जाते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।